दिन हम आए हैं मंदिर में अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा गुणगान खुशियों से भरा प्रभु ये दिन हम आए हैं मंदिर में अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोगों को माता कलीसिया अपने विश्वास पर मनन चिंतन करने के लिए एक मौका देती है। हम विश्वास के द्वारा एक दूसरे के साथ संबंध मधुर बनाते हैं, ईश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत बनाते हैं और उसके साथ ही साथ हम अपने लोगों के साथ में और ईश्वर के साथ में कृपा पात्र बनते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें विश्वास बना हुआ रहता है। जिस दिन हम विश्वास करना छोड़ देंगे हमारे सारे कार्य अधूरे रह जाएंगे, हमारे संबंध एक दूसरे के साथ अधूरा हो जाएगा, ईश्वर के साथ अधूरा हो जाएगा। आज का यह मिसा पूजा बलिदान हम लोगों को मौका दे रहा है विशेष रूप से अपने विश्वास को परखने का, अपने विश्वास को जांचने का और उसी विश्वास को मजबूत बनाकर एक ऐसा मुकाम बनाने का जहाँ पर हम विश्वास पात्र बनते हैं, जहाँ पर हम विश्वासी बनते हैं। आइए एक बार पुनः अपने आप के जीवन को हम झांक कर देखें। जिस विश्वास को प्रभु ने अपने वचन के द्वारा, अपने शरीर और रक्त के द्वारा बराबर हम लोगों को देते हैं, क्या मैं उस विश्वास में खरा हूँ? क्या मैं उस विश्वास के प्रति विश्वस्त बने रहता हूँ? यदि नहीं तो आइए एक बार हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम पश्चाताप करते हुए दया याचना का गीत गाएंगे। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, पर दया करो। हे ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। हे ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो, मुझ पर
प्रभु ने हमें यह अनोखा अवसर दिया है कि हम अपने विश्वास को प्रभु में बढ़ा रहे हैं। आइए उसी विश्वास को बढ़ाते हुए हम आनंद के साथ महिमा का गीत गाएंगे। हम प्रार्थना करें। इस मिसा बुजा बलिदान में जो भी मतलब और निवेदन लेकर हम आए हैं, उन सभी निवेदनों को हम प्रभु को समर्पित करते हैं। साथ ही साथ पवित्र कलीसिया के मतलबों को हम रखते हैं और हमारे आश्रम के सभी निवेदनों को हम प्रभु के सम्मुख रखते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे साथ तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय को तेज परमेश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि यह वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
वर्ष का 19वां इतवार, पहला पाठ, प्रज्ञा ग्रंथ, अध्याय 18, वचन संख्या 6 से लेकर 9 तक। उस रात के विषय में हमारे पूर्वजों को पहले से इसलिए बताया गया था जिससे वे यह जानकर हिम्मत बांधें कि हमने किस प्रकार की शपथ पर विश्वास किया है। तेरी प्रजा धर्मियों की रक्षा तथा अपने शत्रुओं के विनाश की परीक्षा करती थी और तूने हमारे शत्रुओं को दंड दिया और हमें अपने पास बुलाकर गौरवान्वित किया है। धर्मियों की भक्त संतान ने छिपकर बलि चढ़ाई और एकमत होकर यह पवित्र प्रतिज्ञा की कि संत लोग साथ रहकर भलाई और बुराई दोनों समान रूप से भोगेंगे और इसके बाद वे पूर्वजों के भजन गाने लगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता मेरे प्रभु, सुनता रहा मेरा हृदय, बदल गया मेरा जीवन। वचन तेरा दूसरा पाठ, इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, वचन संख्याएं 1 से 2, 8 और 19। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। इब्राहिम ने विश्वास के कारण ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और या ना जानते हुए भी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिज्ञात देश में बस गया और वहाँ इसहाक तथा
याकूब के साथ जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे तंबुओं में रहने लगा। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस बसे हुए नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वस्तुकर तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण ही सारा उम्र ढल जाने पर भी गर्भवती हो सकी क्योंकि उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और इसलिए एक वरणसन व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बलों के कणों की तरह अगणित। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षा तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षा तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 वाक्य संख्या 32 से लेकर 48 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, छोटे झुंड डरो मत क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो। अपने लिए ऐसी थैलियां तैयार करो जो कभी छिजती नहीं। स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो, वहां ना तो चोर पहुंचता है ना कीड़े खाते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहां तुम्हारा हृदय भी रहेगा। तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलती रहे। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर इसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। या अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए ही कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांट दिया करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। पर यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और अपने दास दासियों को पीटने खाने पीने और
नशेबाजी करने लगे तो उस सेवक का स्वामी ऐसा दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तो स्वामी उस सेवक को कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया है वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है वह थोड़ा मार खाएगा। जिसने बहुत दिया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी हम बाजार जाते हैं तो संभवतः हम अच्छी वस्तुओं का चयन करने की कोशिश करते हैं। जो भी वस्तु लेते हैं उनका ब्रांड हम देखते हैं और ब्रांड पर निर्भर होकर हम यह निश्चित करते हैं कि जो वस्तुएं हम लोग ले रहे हैं, जो चीज़ें हम लोग ले रहे हैं वह अच्छी होंगी और इससे उसकी निश्चितता बढ़ती जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं हम सबसे पहले विश्वसनीयता को देखते हैं। जिस वस्तु पर, जिस चीज़ पर हमारा विश्वास ज़्यादा होता है, अधिक होता है, हम उसी चीज़ को लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने मिस्सा के पहले भाग में कहा कि आज का पवित्र वचन हम लोगों को अपने विश्वास को जांचने परखने का एक अवसर दे रहा है। जब हम विश्वस्त बनते हैं, विश्वासी बनते हैं, विश्वसनीय बनते हैं तो हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ अच्छा होता है, हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ मधुर होता है और हम एक दूसरे के कृपा पात्र बनते हैं, विश्वासी बनते हैं, ईश्वर के कृपा पात्र बनने लगते हैं। आज के पहला पाठ जो प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है, प्रज्ञा ग्रंथ के रचयिता इसराइली जनता को यह निश्चित करना चाहते हैं कि जिस विश्वास के लिए ईश्वर ने उन्हें चुना है उसे लगातार उन्हें बनाए रखने की आवश्यकता है, लगातार उससे अपने जीवन में जीने की आवश्यकता है। वह बताते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर ने उनकी सुधि ली, उनको गुलामी से निकाला, उनको सूखे पांव लाल सागर पार किया, उसने ऐसे सेना से उन्हें विजयी बनाया जिनसे उनको लड़ना भी नहीं पड़ा। अब लगातार उन्हें ईश्वर की सेवा कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करना है, उस विश्वास को बनाए रखना है जो विश्वास के द्वारा उनका रिश्ता कायम होता है, ईश्वर के साथ उनकी प्रजा का रिश्ता, प्रजा के साथ ईश्वर का रिश्ता और एक दूसरे के साथ रिश्ता। आज के दूसरे पाठ में हम लोग देखते हैं जहाँ पर इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र में संत पौलुस हमारे विश्वास को एक सुनहरे शब्दों के साथ में परिभाषित करते हैं। यदि हमें अपने विश्वास को परिभाषित करना पड़े तो हमें संत पौलुस के इन शब्दों को लेकर हम आसान शब्दों में उसे परिभाषित कर सकते हैं। संत पौलुस कहते हैं, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास क्या है? उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। ये कौन सी बातें हैं? उनके लिए हमारे सामने हमारे पूर्वज इब्राहिम का उदाहरण रखते हैं। हम देखते हैं कि इब्राहिम को मरणासन के समय में ईश्वर की आज्ञा प्राप्त होती है, ईश्वर का संदेश उन्हें प्राप्त होता है। वो एक ऐसे प्रतिज्ञात देश की ओर जाते हैं जहाँ पर उसका पूरा का पूरा समुदाय अपने अधीन में करने वाला है। हम जानते हैं कि इब्राहिम उम्र में बहुत अधिक बढ़ गए थे, बहुत बुजुर्ग हो गए थे और उस अवस्था में पुत्र की प्राप्ति की कामना करना उसके लिए व्यर्थ था क्योंकि उसकी पत्नी भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन ईश्वर उस समय उसे भरोसा दिलाते हैं, उस समय उसे आशा देते हैं कि तुम्हारी संतति आकाश के तारों के सदृश होगी, समुद्र के बालुओं के सदृश होगा।
अर्थात तुम्हारा जो आने वाला भविष्य है वो बहुत बड़ा होगा। और हम देखते हैं विश्वास का पिता इब्राहिम उन सभी बातों पर विश्वास करता है। हम संत पौलुस के बातों को एक बार फिर से देखेंगे। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। यहाँ पर हमारे पिता इब्राहिम किसकी आशा कर रहा था? एक पुत्र का जो उसका वंश को आगे लेकर जाएगा, उस बातों की आशा कर रहा था जिनके द्वारा ईश्वर उनका वंशज समुद्र के बालुओं के सदृश और आकाश के तारों के सदृश बना देगा। और हम देखते हैं सारा को ईश्वर की महिमा के द्वारा पुत्र प्राप्त होता है और आगे चलकर एक बड़ी संख्या में वे आते हैं और एक समुदाय के रूप में प्रभु के सामने प्रकट होते हैं। हम आगे देखते हैं जहां पर संत पौलुस हमसे कहते हैं कि हम विश्वास के द्वारा ईश्वर के कृपा पात्र बनते हैं। जब भी हम अपने जीवन को जीते हैं हमें बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ता है, हम बहुत सारे कष्टों से घिरे हुए रहते हैं। हमें नौकरी कब मिलेगी, हमारी शादी कब होगी, बच्चे कैसे होंगे, उनका लालन पालन कैसे होगा, हमारी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, हमारी आय का स्रोत क्या होगा, इन सभी बातों से हम इतने उलझे रहते हैं कि हम अपने जीवन को जीने के लिए सक्षम नहीं बन पाते हैं। उन सभी अवसरों पर हमें ज़रूरत है कि हम अपने विश्वास को आगे लेकर आएं। और संत पौलुस की भांति हम कह सकते हैं विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। हम अपने जीवन में आशा करते हैं कि हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारा जीवन मधुर होगा। यदि हम उसके प्रति आशान्वित हैं, आशा से भरे हुए जीवन जी रहे हैं, तो हमारा विश्वास आगे आएगा और हम ईश्वर की योजना को अपने जीवन में पूर्ण होने देंगे। और इसके साथ ही साथ उन सभी अस्तित्व के प्रति हम विश्वस्त बने रहते हैं जिनको हम देखने में असमर्थ रहते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु हम लोगों को एक अच्छा नौकर, एक अच्छा कामगार बने रहने के लिए कहते हैं। यह हमारे लिए चुनौती है। जब हम अपने विश्वास को लेकर जीवन जीते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि हमारे सामने बहुत सारी विपत्तियां आ जाती हैं और उन सभी अवसरों पर हम टूट जाते हैं। उन सभी अवसरों में हम लोगों के सामने चुनौती रहती है अपने विश्वास को लेकर, अपने ईश्वर के प्रति विश्वस्त बने रहने के लिए, ईश्वर की योजना के प्रति विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए। और उन्हीं क्षणों में जब हम लोग विश्वासी बने रहते हैं तो ईश्वर हम सभी के कार्यों के लिए हमें शाबाशी देते हैं, स्वर्ग राज्य देते हैं, प्रेम देते हैं, दया देते हैं, क्षमा देते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इस मिसा पूजा बलिदान के द्वारा अपने विश्वास को परखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु के मधुर वचनों के द्वारा अपने विश्वास को जानने की कोशिश कर रहे हैं, आइए हम प्रभु से बल मांगे कि हम अपने जीवन में होने वाले हरेक कार्य में विश्वास को आगे लेकर आए। जब हम विश्वास को आगे लेकर आते हैं तो ईश्वर की योजना को हम समझने लगते हैं, ईश्वर की योजना के आधार पर अपने आप के जीवन को जीने लगते हैं, चाहे वह सुखपूर्ण हो चाहे वह दुखपूर्ण हो, हम दोनों अवस्था में हम एक विश्वासी बने रहते हैं। आइए हम अपने सारे कार्यों के द्वारा, सारे दुख संकट सभी क्षणों के द्वारा हम प्रभु के कृपा पात्र बने रहें और प्रभु के कृपा पात्र होने के नाते हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सके, आमीन। आइए हम सभी कोई अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करते हुए कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है, वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना।
उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है, वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है, वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है, वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरितिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ, मैं पापों के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम विश्वास के साथ प्रभु के प्रांगण में हैं। आइए हम अपने सारी जरूरतों को प्रभु के सामने रखें और विश्वास से पूर्ण होकर एक साथ कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम हमारे भला गडेरिया, संत पापा फ्रांसिस, माता कलेसिया और सभी विश्वासियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तो उन्हें अंतर्दृष्टि प्रदान कर ताकि वे आपकी योजना के अनुसार कलेसिया को आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें अपनी वाणी भेजकर सुस्वस्थ प्रदान करने की पाकर। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संसार भर के सारे विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें अपने ज्ञान प्रज्ञ और विवेक से भर दे ताकि वे अच्छी तरह पढ़ाई कर सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम अपने देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें अपने ज्ञान प्रज्ञा से भर दे ताकि वे देश को न्याय के पथ पर चला सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम उन क्षेत्रों के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ पर अभी तक बारिश नहीं हुआ है, तो उन क्षेत्रों पर अच्छी बारिश भेजने की कृपा कर। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्प विश्वास के कारण में कलीसिया से दूर होते जा रहे हैं, अपने समस्याओं के कारण में, कलीसिया की समस्याओं के कारण में वे लोग अपने विश्वास को खोते जा रहे हैं। प्रभु, जिस प्रकार से तूने अपने शिष्यों को और जितने भी लोग थे तेरे साथ, उन सभी के विश्वास को तूने परखा, उन्हें विश्वास में बढ़ने का अवसर दिया, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचन के द्वारा और मिसा पूजा बलिदान के द्वारा हम अपने विश्वास को और अधिक गहराई से उत्पन्न कर सकें। प्रभु तू हमें बल दे कि हम सभी कार्यों में विश्वास को लेकर कृपा पात्र बन पाएं। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास में उपचार के लिए कोई भी साधन नहीं है, रुपया पैसे नहीं है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि अच्छे हृदय वालों को प्रभु प्रेरित करें उनकी सहायता के लिए। जो लोग करने में सक्षम हैं वे सभी आगे आए और इन सभी गरीब लोगों की मदद कर उन्हें अच्छे जीवन की राह बता पाएं। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी को एक क्षण मौन होकर अपनी अपनी निजी आवश्यकताओं को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हुए उन सभी के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने पुत्र के वचन के द्वारा हमारे हृदय में विश्वास का बीज बोया
आज उसी विश्वास से बढ़कर हम अपनी सारी ज़रूरतों को तेरे पावन चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हमारे विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हमारे सारे ज़रूरतों को पूर्ण कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु ये उपहार स्वीकार ले भगवन, लाए प्रभु ये उपहार स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने कलीसिया के ये दान सानंद स्वीकार कर। तूने ही इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से हमारे मुक्ति के संस्कार बनते जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अंतिम व्यालों में अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय इन्होंने चाहा कि आगामी युगों में क्रूस की मुक्तिदायी स्मृति बनी रहे। इन्होंने निर्दोष मेमने के रूप में स्वयं को तुझे अर्पित किया। यह सुग्राह्य उपहार तुझे पूर्णता महिमान्वित करता है। इस पवित्र रहस्य द्वारा तू विश्वासियों को पोषित करके उन्हें पवित्र करता है, ताकि जो मानव जाति इस पृथ्वी पर निवास करती है वह एक ही विश्वास से आलोकित हो और एक ही प्रेम के सूत्र में बंधे रहे। इसलिए इस अद्भुत संस्कार की वेदी के पास आते हैं, ताकि तेरी कृपा के माधुर्य से ओतप्रोत होकर हम उसी स्वर्गीय भोजन और जीवन के प्रतिरूप बनते जाएं, जिनका पूर्वाभास यहाँ होता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम सभी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। भावन, भावन, भावन तेरा Oh,
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों पर अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया को सुधे ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र येसु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब एक साथ त्रित्वमेश्वर का गुणगान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस और विश्वास से पूर्ण होकर कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु प्रायः से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में भी कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हमारे
माता पिता के विश्वास पर दृष्टि डाल। इस मिसा पूजा बलिदान में भाग लेने वाले हर एक के विश्वास पर दृष्टि डाल। और तो जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु, मैं तेरा शरीर व्रत ग्रहण करने वाला हूँ, यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से मेरा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे, आमीन। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, इसी मेमने पर हम अपने विश्वास को प्रकट कर विश्वास पात्र बनते हैं। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे, आमीन। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में आजा। आइए हम सभी को अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी दोनों हथेलियों को खुला छोड़ेंगे। अभी हम लोगों ने प्रभु के वचन को अपने जीवन में उतारा है, प्रभु के शरीर और रक्त को अपने जीवन में पाया है। ये हमारे लिए वरदान है कि हम प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने के द्वारा अपने विश्वास को फिर से पाते हैं, उन्हें फिर से जागृत करते हैं, उन्हें फिर से नवीनीकृत करते हैं। आइए हम प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस करें। यहोवा ईश्वर है जो अपने लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसराइली लोग जब गुलामी की दास्ता में थे, उनकी पुकार को सुना, उन्हें गुलामी से छुड़ाकर
एक ऐसा देश प्रदान किया जहां दूध और मधु की नदी बहती है। सर्वत्र खुशियां ही खुशियां थीं। सभी लोगों को एक दूसरे के विश्वास में बढ़ने के लिए, ईश्वर के प्रति विश्वस्त बने रहने के लिए उन्हें बुलाते हैं। प्रभु येसु भी लगातार लोगों के विश्वास को बढ़ाते हैं, और जैसे ही लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में चमत्कार होता है। आइए हम प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण कर उसे विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करें। परिवार में होने वाले हर एक घटनाओं में, हर एक कार्यों में हम विश्वास करें। प्रभु की योजना को समझने के लिए हम प्रभु का सामर्थ्य प्राप्त करें, ताकि हम अपने जीवन में कभी टूटे नहीं, विश्वास को कभी त्याग ना दें, बल्कि जीवन के हर एक अवसर पर, हर एक काम पर विश्वास के प्रति ईमानदार बने रहें और प्रभु की कृपा पात्र बने रहें। धन्यवाद यीशु हम यह वरदान देने के लिए। धन्यवाद प्रभु हमें विश्वास में बनाए रखने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे हृदय में विश्वास का बीज बोने के लिए। हमें अपने अनुरूप बना प्रभु, ताकि हम विश्वास के द्वारा अपने जीवन को और अधिक मजबूत बना सकें, अपने ख्रिस्तीय जीवन को और अधिक सार्थक बना सकें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं, यह हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सविदा ले ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ये पवन चल।